सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। जौनपुर जिले के केरागत कोतवाली पुलिस को उस समय एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी जब पुलिस अपने हमराइयों के साथ गश्त पर थी। मुखबिर से सूचना मिली कि मंगलवार की भोर में देवकली बाजार के पास मनोज कुमार यादव निवासी मीरपुर को अवैध तमंचा व दो जिंदा कारतूस के साथ कहीं जा रहा था। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। इसके पूर्व भी एक बार वह अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार हुआ था, उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का एक मुकदमा भी दर्ज है। आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के आदेशानुसार पूरे रेंज में रात्रि 10 बजे से 3 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसी चेकिंग अभियान के अंतर्गत थाना केराकत क्षेत्र में देवकली के पास हमें एक बदमाश व्यक्ति, जिसके पास से 0.32 बोर का एक ऑटोमेटिक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर मुकदमा अपराध संख्या 168/21 पंजीकृत किया गया और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई। हम आगे भी उससे पूछताछ कर रहे हैं कि उसके पास वेपन कहाँ से आया और इस पूरे तंत्र का पर्दाफाश करने की तरफ अग्रसर है।